नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। एमालेक मेची महाकाली अभियान के भाड़वाक मोर्चाक तैयारी, 25 गते जनकपुर में निषेध करवाक मोर्चाक उद्घोष। मधेसी मोर्चा कार्यकर्ता नेकपा एमाले 70 जिला के कमिटी सदस्य प्रताप नारायण चौधरी के कार्य चुनाव अलग। आई 15 जिला के धियापुता के पोलियो थोपा खुआल जा रहा, आंदोलनरत सीनियर अहब सब पोलियो थोपा खुआव के अभियान के कलक रोकबाक प्रयास। धनसाक रघुनाथपुर के टुकड़ा टुकड़ा का विभिन्न नगरपालिका में मिलावट चाहने कहित गांववासी आंदोलित, मशाल जुलूस प्रदर्शन। आ इराक के मोसुल शहर में भेल आक्रमण में रासायनिक हथियार के प्रयोग। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा धनसार नेकपा एमाले के मेची महाकाली अभियान भाड़ के चेतावनी दिलक। जनकपुर में काल मोर्चा केने कार्यक्रम में सहभागी सब नेकपा एमाले के नेता सब मधेस विरोधी रहल कहित मेची महाकाली अभियान के प्रतिकार कर के चेतावनी देने आई। कार्यक्रम में धनसार मोर्चा के संयोजक सतीश लाल दास मधेस आ मधेसी विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दैताल एमाले के अभियान के प्रतिकार कर के चेतावनी दिल। क्योंकि लोकतंत्र में एक हरेक नागरिक के अपन अधिकार होइ छै, और जब अधिकार लग के यदि आगू बढ़ के प्रयास करै छै तो ओते प्रयास करते में ओकरा पूरा माके एहिसे पहले हम सब 6 महीना के आंदोलन में देखने होंगे जे एते जैसे मानव सांगलो बनले ओकरा के लिए माके सांगलो है ने, चाहेटा ऊ आम गिरते में किछ नै भऽ जेतै। अथवा ओहू बीच में आके रघुवीर महाशेठ जी के घर में वामदेव गौतम जी आयल छलाह, ओहू में वामदेव गौतम जी की कहलके जे मोर्चा के कार्यकर्ता सब ने ई मधे से कुछ बोलाहा सब है यानी एहन एहन किस्म के बात सब, और अखनो शहीद के बात पर कहलके जे ई मधेसी सब ई शहीद जते भेले ऊ मधेसी नहीं है, तो एहन एहन किस्म के जे अभिव्यक्ति आब रहल है। निश्चित रूप से एहि अभिव्यक्ति पर हमर सबके घोर अभिव्यक्ति पर हमसब घोर भर्सना करे, और जो मधेस विरोधी जो स्टेटमेंट सब अभी विचार सब जो अभी एमाले के हम सभी कहना चाहे कि पार्टी बहुत सारा पार्टी है लेकिन एमाले के साथे मधेसी जनता इतने उतावला केला है, तो निश्चित रूप से एमाले की मधेस के साथे ई राजा महेंद्र के सिरो फेरो के नीति लगे आगू बढ़ के प्रयास करे छे, तानाशाही प्रवृत्ति के हिसाब से आगू बढ़ला चाहे छे, तो मधेस के जनता निश्चित रूप से ओहि चीज के स्वीकार नहीं करते। संयोजक दास मधेस आंदोलन मोर्चा मात्र नहीं कि आम मधेसी जनता के एमाले के देखा चाहने स्पष्ट कल जे ये जैसे मधेसी के आंदोलन नहीं है, ये मोर्चा के मात्रे आंदोलन है, तो हम सब ये मधेसी जनता को देखा वाला चाहे छे कि मोर्चे के आंदोलन है भक्ति की मधेसी आंदोलन है, और मधेस युद्ध के जो अगर वक्तव्य सब जो आबि रहा है तो ओकरा एकटा थ्रेट करे के लिए ओकर चैलेंज के हम सब स्वीकार कर दू, ओकरा हम सब प्रतिवाद हम सब करब। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष शिव शंकर साहिरा एमाले फागुन 25 गते जनकपुर में करत कहने मेची महाकाली अभियान कोन हालत में भाड़ के चेतावनी दिलाथ, वो मधेस में चुनाव होबन नहीं देव के दावी सेहो कल। हम सब निर्वाचन आयोग के हम काजे भी कर देब तो निर्वाचन करते कत से शिक्षक साहब कोनो कीमत पर ओकरा सहयोग करे लागी निर्वाचन आयोग का से बने लागी तैयार नहीं हो, कोन सरकारी कर्मचारी छे मधेसी निजामती कर्मचारी सब नहीं है सर, उनका सबसे निर्णय लिया संविधान परमार्जित करके संशोधन करके पास नहीं करे ताले तक हम सब कोनो कीमत पर कोनो किस्म के चुनाव नहीं होबे देबे। मोर्चा धनसा के फागुन 18 गति बैसल बैसार से एमाले के अभियान के कड़ा प्रतिकार कर आ भाड़ के निर्णय कर चुकल है। एम्हर नेकपा एमाले आई से छापा में मेची महाकाली अभियान के शुरुआत कर जा रहा है। मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता सब नेकपा एमाले 70 जिला के कमिटी सदस्य प्रताप नारायण चौधरी के कार्य चुनाव लगा दिलक। काल्हि भिनसर राजविराज वार्ड नंबर 1 स्थित मास बाजार में मेची महाकाली अभियान के पर्चा बांट रहा समय मोर्चा के कार्यकर्ता सब चौधरी के कार्य चुनाव लगाने आई है। मधेस आ मधेसी जनता विरोधी पार्टी में लाइक केपी ओली के सहयोग के कहित चेतावनी स्वरूप चौधरी के कार्य चुनाव लगाने सब तरीक मोर्चा के संयोजक दिनेश यादव बतौलन आई। मोर्चा के कार्यकर्ता सब चौधरी के कार्य चुनाव लगाब शुरू कल के बाद एमाले के जिला सचिव शंभू यादव सहित नेता सब भागल छल। नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान अंतर्गत फागुन 23 गते सप्तरी के राजविराज आ कंचनपुर में सभा कर जा रहा है। दोसर दिस मधेसी मोर्चा सप्तरी भंडाफोर अभियान अंतर्गत ओहि दिन चक्काजाम लाठी जुलूस सहित कार्यक्रम सब सार्वजनिक कर रखे। पदस्थापना के विषय के लक आंदोलनरत सीनियर अहब सब पोलियो थोपा खुआव के
अभियान रोक के प्रयास कने ओ सब पोलियो के बूंद भंडारण कैल गया कक्ष में तालाबंदी कने ढोब वाला प्रयोग भेल गाड़ी सेहो रोक के प्रयास कने स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा स्वास्थ्य संस्था सब में भेल तालाबंदी के संबंध में गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलन संगे पोलियो बूंद खुआब के सहित के स्वास्थ्य सेवा सब निर्बाध रूप से संचालन कर आह्वान से स्वास्थ्य मंत्रालय आई शनि दिन 15 जिला के धियापुता सब के पोलियो के बूंद खुआब जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी सब के अवरोध के कारण ऐसा आगू तराई के 12 आ काठमांडू उपत्यका के 3 जिला का 15 जिला में पोलियो के बूंद कार्यक्रम खुआब नहीं सकल छल। आई शनि दिन आ काल रवि दिन कैलाली बर्दिया बांके कपिल वस्तु परसा बारा रोथठ धनसा महतरी सप्तरी सिराहा सुनसरी काठमांडू भक्तपुर आ ललितपुर में पोलियो के बूंद खुआब के कार्यक्रम रहा है। मुदा हेल्थ पोस्ट इंचार्ज बनाब के मांग करते आंदोलनरत सीनियर अहब सब पोलियो बूंद खुआब के अभियान में असहयोग मात्र नहीं अवरोध सेहो कने जन आंदोलन सफल भेला के बाद तत्कालीन सरकार करीब 3,900 अहब के दू तह पढ़ुआ कने छल। मुदा लोकतांत्रिक बढ़ुआ हुई तो शैक्षिक योग्यता नहीं पहुंचल कारण से ओ सब वह अनुसार के जिम्मेवारी नहीं पौने छल। मुदा आंदोलनरत कर्मचारी सब हेल्थ पोस्ट इंचार्ज बनाब के मांग रखत आयल पिछला समय भेल वार्ता समय सहमति होब नहीं सकला के बाद ओ सब पोलियो अभियान के अवरुद्ध कर के प्रयास कने मंत्री थापा पुनर्दरबंदी सृजना कर के प्रस्ताव मंत्री परिषद से स्वीकृत भेल आ स्वास्थ्य सेवा एन संशोधन का 3 महीना भीतर समस्या के समाधान कर प्रतिबद्धता जनौने आ स्वास्थ्य कर्मी सबके अपन अपन काज में घूर आह्वान से कने अभी स्वास्थ्य मंत्रालय सेवा अवरोध भेल ठाम समय सुरक्षा व्यवस्था का सेवा सुचारू कराब सहयोग कर गृह मंत्रालय के पत्राचार कने। नेकपा एमाले एकाएक रूप में केंद्रीय कमेटी के संख्या विस्तार कलक झापा के वीरता मोड़ में शुक्र के रात बैसल स्थायी समिति के बैसार से एक बेर 20 गोटे मधेशी या थारू नेता सब के केंद्रीय कमेटी में सामूहिक प्रवेश करौलक मेची महाकाली अभियान शुरू कर आगू एमाले एक बेर 20 गोटे मधेशी या थारू नेता के केंद्रीय सदस्य में बढ़ौने शुक्र के रात वीरता मोड़ में बैसल एमाले के स्थायी कमेटी बैसार से 12 गोटे के केंद्रीय सदस्य में मनोनयन कलक अना का केंद्रीय सदस्य में मनोनीत होब वाला समय रघुवीर महासेठ धर्मनाथ शाह रामचंद्र यादव गंगा यादव धर्मनाथ यादव आ रामदयाल मंडल रामचंद्र शाह तेली रविन्द्र बैठा हरिनारायण महतो रत्नेश्वर गोइत लालबाबू यादव आ यदुवंश झा अमे से महासेठ झा गोइत आ महतो धनसा जिला के धर्मनाथ शाह धर्मनाथ यादव आ रामचंद्र यादव आ गंगा यादव सिरा के तहिना का रामदयाल मंडल महतरी के तेली परसा आ बैठा सरलाई के अना का बैसार से 8 गोटे के वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य में मनोनयन कैल गया। वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य होब वाला में नारद मणि राणा थारू जूली महतो मंजू चौधरी शांता चौधरी हरि राजवंशी सरोज यादव आ सुधीर शाह सरला यादव मोहम्मद हारून रहल पार्टी सचिव योगेश भट्टराई जानकारी देने संगे बैसार से कैलाली के हरमान चौधरी आ मायाराम चौधरी के केंद्रीय सलाहकार परिषद में मनोनयन कलक एमाले के केंद्रीय कमिटी हाल वैकल्पिक सहित 185 सदस्य 20 गोटे थपला के बाद आब केंद्रीय कमिटी 205 सदस्य बन पहुंचल ऐसे आगू केंद्रीय कमिटी में मधेशी आ थारू के प्रतिनिधित्व 17 गोटे मात्र रहल में आब 37 गोटे पहुंचल केंद्रीय सदस्य में मनोनीत भेल रघुवीर महासेठ बीतल महाधिवेशन में पार्टी के सचिव में उठकर पराजित भेल नेता छथि। बीतल संविधान सभा में ओ धनसा क्षेत्र नंबर 5 से पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवक बेटा चंद्रमोहन यादव संग कमे मत से पराजित भेल छलथि। महाधिवेशन में हारल कारण केंद्रीय कमेटी में छूटल महासेठ मनोनयन में पड़ल छथि। महासेठ के पत्नी जूली महतो सेहो वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य बनल ओ बीतल संविधान सभा चुनाव में धनसा क्षेत्र नंबर 3 में विमलेन्द्र निधि के निकटतम प्रतिद्वंदी छलथि। अहिना कर केंद्रीय सदस्य में मनोनीत भेल सिरा के धर्मनाथ संग साथ सेहो बीतल महाधिवेशन में पराजित भेल छल। महाधिवेशन में शाह उपाध्यक्ष में उठकर पराजित भेल छलथि। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के आई 8 दिन श्रद्धालु भक्तजन सब आई महतारी के हरिणमरी स्थित कंसन वन जा रहा छथि। साधु संत किशोरी तथा बिहारी जी डोलाक सांग में श्रद्धालु तथा भक्तजन सबक टोली कंचन वन प्रस्थान कने आई रात कंचन वन में विश्राम कर परिक्रमा के टोली काल पर्वता के लिए प्रस्थान करत। धनुषा के कसूरी के मठ से मिथिला बिहारी जी के डोला आज जनकपुर के रत्न सागर स्थित मठ से राम जानकी के डोला के विधिवत रूप में निकाल 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के शुरुआत कैल गया। परिक्रमा के टोली पर्वता धनुषा धाम सतोखर और ही करुणा बिशोल होते पुनः कलना पहुँच कर 15 दिन में जनकपुर आओत। ओकर बाद जनकपुर में अंतर्गृह परिक्रमा संगे माध्यमिकी परिक्रमा समापन हेत। ओकर एक दिन बाद जनकपुर में होली खेलवा परंपरा से हो रहा है। परिक्रमा टोली नेपाल के 107 आ भारत 26 किलोमीटर का कुल 133 किलोमीटर के दूरी पैदल यात्रा तय करते।
अही बीच महतारी धमौरा के युवा सब परिक्रमा में सहभागी तीर्थालु सब के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार शिविर चलाने आई धमौरा युवा मंच जनज्योति संस्थान आज जिला आयुर्वेद कार्यालय महतारी के संयुक्त आयोजना में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के स्थापना कैल गया जहां में प्राथमिक उपचार आ निःशुल्क दवाई के व्यवस्था कैल गया। युवा मंचक संयोजक अशोक कुमार यादव आ सदस्य रामेश्वर मंडल बताने वो सब तीर्थालु सब के सेवा कर पाबिक अपने सब खुशी भेल बताने आई। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना करवा क्रम में किछ सीमित नेता के व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा के लिए धनुषा के ऐतिहासिक गाविस रघुनाथपुर के टुकड़ा टुकड़ा कर लागल गेल विरुद्ध में गांव के युवा सभा आंदोलित बनल वही विरुद्ध में गांव के करीब 1000 युवा सभा संपूर्ण गांववासी सब संयुक्त रूप में शुक्र के सांस मशाल जुलूस प्रदर्शन कलक। गांववासी सब लगभग 14,000 जनसंख्या रहल रघुनाथपुर के अलगे गांव पालिका नहीं भेल तो ऐतिहासिक धनुषाधाम नगर पालिका में राख के मांग कैने अच्छे उन्होंने भेल तो जिला क्षेत्रीय आ स्थानीय कोनो नेता के वही गांव में प्रवेश कर नहीं देव के आ आत कारी चुनाव लगाव के युवा सब चेतावनी सेहो देने ओ पुनर्संरचना विरुद्ध स्थानीय नेता तथा जनता सब ऐसा आगू एक संघर्ष समिति बनाकर जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीय विकास मंत्रालय में ज्ञापन पत्र बुझा चुकल ओ समिति मंत्रालय में पहुँच कर सेहो परामर्श कर रहा है। संगे युवा सब स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे के खबरदारी कर आ सचेत कराव SMS अभियान के सेहो शुरुआत कने ओहि क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेसक सांसद प्रेम किशोर शाह आ आनंद प्रसाद झुंगाना माओवादी केंद्र के समानुपातिक सांसद राम सिंह यादव आ नेता मातृका यादव अपन निहित स्वार्थ के लिए गांव के नमहर भूभाग सबैला नगरपालिका आ बाकी भूभाग गणेश मान चारनाथ नगरपालिका में राख लगौने गांव के युवा सब बताने अच्छे। श्रामक बाद पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आ बाकी समाचार सब। महतारी के बर्दीवास में अज्ञात समूह का आक्रमण से एक व्यापारी गंभीर घायल भेल बृहस्पति के सांझ बर्दीवास बाजार में 4-5 गोटे के समूह से स्थानीय व्यापारी शेख सनीफ पर आक्रमण भेल। आक्रमणकारी सब रड़ से प्रहार कर सनीफ के घायल बनौने सनीफ के बर्दीवास में उपचार संभव नहीं भेला के बाद काठमांडू पठाओल गया। आक्रमणकारी के पहचान होबन नहीं सकल आ खोजी भ रहा प्रहरी निरीक्षक वासुदेव थापा जानकारी दिलाथ। व्यापारी सनीफ पावरोटी उद्योग संचालन करते आयल छ। राजविराज विमानस्थल निर्माण होब के म्याद आगामी अघन धेर रहितो अखार भित्रे में तैयार भ जात। व्यवस्थापिका संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा श्रम समिति राजविराज विमानस्थल में भेल कार्यक्रम में एहन जानकारी दिलक है। समिति विमानस्थल के धावन मार्ग बनाब के समय सीमा अघन धेर होइतो अखार भित्रे तैयार भ जात जानकारी करौलक। विमानस्थल के 1500 मीटर लंबा आ 30 मीटर चौड़ा भेल रनवे निर्माण काज भ रहल है। 30 करोड़ 30 लाख में रनवे बनाब के काम भ रहल है। समिति के सभापति प्रभु शाह अपन नेतृत्व के समिति राजविराज विमानस्थल के निर्माण काज के प्राथमिकता में रखने कहित कोनो अभाव होब नहीं देवे के प्रतिबद्धता जनौलथ। वो आगामी वर्ष आई विमानस्थल से जहाज उड़े के विश्वास व्यक्त कने। सोभी निर्वाचन के विषय में विद्यार्थी संगठन से बीच विवाद बढ़ला के बाद काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्नराज लक्ष्मी कैंपस में फिर से तनाव उत्पन्न भेल। कैंपस प्रशासन एमाले निकट अनेरा सोभी के पक्ष में होब सका नया निर्वाचन तालिका सार्वजनिक केने कहित नेवी संघ आ अनेरा सोभी विरोध कला के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनल। शुक्र दिन नेवी संघ आ क्रांतिकारी के विद्यार्थी सब कैंपस प्रशासन विरुद्ध कड़ा नाराबाजी के संगे प्रदर्शन कला के बाद स्थिति नियंत्रण में लेब प्रहरी के लाठीचार्ज कर पड़ल छ। झड़प के क्रम में किछ विद्यार्थी घायल सेहो भेल। 18 गते होब वाला निर्वाचन स्थगित भेला के बाद कैंपस प्रशासन फागुन 23 गते के लिए निर्वाचन के मिति तोकने अछि। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शुक्र दिन उम्मीदवारी दर्ता के कार्यक्रम छल। नेवी संघ आ क्रांतिकारी स्थगित भेल सब कैंपस में एक साथ निर्वाचन कर के मांग रखने अछि। अनेरा सोभी 23 गते निर्वाचन होब परत बतबैत आयल अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन के कारण राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 के परीक्षा तालिका पाछू घुसकलक। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक दिल्ली राम रिमाल के अनुसार आब कक्षा 11 के परीक्षा अखार 1 गते से 11 गते धरि होयत। ऐसा आगू बैसाख 24 से 11 गते धरि कक्षा के परीक्षा होयत कहल गेल छल। कक्षा 12 के परीक्षा तालिका चुनाव के कारण प्रभावित नहीं होयत रिमाल बताने छथि। कक्षा 12 के परीक्षा बैसाख 10 गते से 22 गते धरि तय भेल अछि। सरकार स्थानीय चुनाव के मिति बैसाख 31 गते तोकने अछि। वर्षा के वीरगंज स्थित नारायणी यातायात कार्यालय में व्यापक अनियमितता होइत आयल कहित कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता आंदोलन में उतरल। वर्षा क्षेत्र नंबर 2 के सभापति विजय सर्राफ के नेतृत्व में नेता तथा कार्यकर्ता काल कार्यालय परिसर में 1 घंटा धरना दिलक। धरना के बाद वो सब यातायात व्यवस्था कार्यालय के प्रमुख विश्वराज नेपाल के ज्ञापन पत्र से बुझौने आई। यातायात कार्यालय भ्रष्टाचार के अखाड़ा के रूप में रहल हर सबक आरोप छन। वो सब अपना सबके माग प्रति व्यवस्था कैल गेल त कड़ा आंदोलन में उतर के चेतावनी सेहो देने अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रसाद कोषाध्यक्ष इम्तियाज आलम तरुण दलक कालू सिंह रविन्द्र ठाकुर दशरथ पटेल मनिन्द्र लाल नेपाली महिला नेत्री रूपा श्रेष्ठ लगायत धरना में बैसल छलथ। भारतक आदित्य इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट
जनकपुर में विद्यार्थी सबक लेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम कलक जनकपुर के एक होटल में सभी विद्यार्थी सबके बीच कैल गए कार्यक्रम में विद्यार्थी सब प्लस टू पश्चात केना आगू बढ़ल जाए विषय में परामर्श कैल गए नामांकन प्रमुख राहुल चौधरी बताने आई वही क्रम में विद्यार्थी सब रखने जिज्ञासा सबके समाधान तथा मार्गदर्शन के काम से कैल गए वो बताने आप इंटरनेशनल न्यूज इराके मसूल शहर में भेल आक्रमण में रासायनिक हथियार प्रयोग कैल गए भेटल 12 गोटे घायल होब जका मसूल के दू ठाम में भेल आक्रमण में रासायनिक हथियार प्रयोग कैल गए पाओल गए रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीआरसी पुष्टि कलक आक्रमण में 5 गोटे धियापुता सहित 12 गोटे घायल भेल घायल में से एक बालक के अवस्था गंभीर है आक्रमण में कौन रसायन प्रयोग कैल गए विषय में पता नहीं लाग सकल हो तो घायल सबके इलाज रासायनिक हमला के पीड़ित के रूप में भ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून में एहन रासायनिक आक्रमण में प्रतिबंध है विद्रोही संगठन आईएस आक्रमण केने अनुमान कैल गए हो तो एक जिम्मेवारी अखन धरि क्यों नहीं लेने अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से एमालेक मेसी महाकाली अभियान के भाड़वाक मोर्चा तैयारी 25 गते जनकपुर में निषेध करवाक मोर्चा को उद्घोष मधेसी मोर्चा कार्यकर्ता सब नेकपा एमाले सप्तरी जिला के कमिटी सदस्य प्रताप नारायण चौधरी के कार्य चुनाव अलग अलग आई 15 जिला के धियापुता के पोलियो बूंद खुआल जा रहा आंदोलनरत सीनियर रहे बस पोलियो बूंद खुआव के अभियान के कलक रोकवाक प्रयास धनसाक रघुनाथपुर के टुकड़ा टुकड़ा का विभिन्न नगर पालिका में मिला बसाने कहित गांववासी सब आंदोलित मशाल जुलूस प्रदर्शन आईरा के मोसुल शहर में भेल आक्रमण में रासायनिक हथियार के प्रयोग अपनी जखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी नमस्कार।